सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आप भी एक आईफोन लेना चाहते हैं लेकिन परेशान हैं यार कि जो व्हाट्सएप पे डेटा इकट्ठा किया है ना अपने एंड्रॉइड फोन में, उसका क्या होगा, वो कैसे ट्रांसफर होगा, मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं। आज हम इस वीडियो को इतने लाइक और शेयर करते हुए मैं आपको बताऊंगा बड़े ही मजेदार कमाल की न्यूज सीधा एप्पल की तरफ से। उसके बाद में सब लोग सीधा अभी नया नया आईफोन चमकाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बात ऐसी है ना कि मतलब एप्पल ने काफी टाइम से बहुत ज्यादा प्रमोट किया है स्विच टू आईफोन वाला जो पूरा कैंपेन है इसको, मतलब जहां पे स्विचर्स तो डेफिनेटली हैं ही और काफी लोग ऐसे हैं जो एंड्रॉयड फोन से परेशान हैं फॉर वेरियस रीजंस। वो ट्राई करना चाहते हैं एप्पल आईफोन्स, वो जाना चाहते हैं एप्पल इकोसिस्टम में, लेकिन मतलब चीज़ें आसान बनाई थी एप्पल ने। मूव टू iOS ऐप भी है जो वन क्लिक से आपका डेटा वगैरह पूरा ट्रांसफर कर देती है, बट द प्रॉब्लम वॉज WhatsApp। मतलब यार, इतना एक यू नो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है हमारे पास में, हमारी सालों सालों की हिस्ट्रीज, पता नहीं किसी ने ब्लॉक किया हुआ गुस्से में, वो भी चैट्स पड़ी होती हैं, लोग वो भी रखते हैं याद में, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप पे मेमोरीज होती है ना, वो अब कैसे जाने दोगे। और कहीं ना कहीं क्रॉस प्लेटफॉर्म में पंगा आता था, बड़ा ही टिपिकल, मतलब काइंड ऑफ यू नो वॉज नॉट ईजी टू ट्रांसफर योर व्हाट्सएप चैट्स फ्रॉम एंड्रॉयड टू iOS। बट अभी यहाँ पे एप्पल और फेसबुक ने मिलके मतलब सही वाला पूरा काम कर दिया है, और अब फाइनली क्या हो गया है कि मूव टू iOS ऐप के अंदर ही हमारे पास में ऑप्शन आ गया है व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर का। इट्स वेरी सीमलेस, इट्स वन क्लिक, और अब आप अपना पूरा एंड्रॉयड का व्हाट्सएप का जो यू नो आपका खजाना है उसको सीधा अपने नए ब्रांड न्यू आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए आपको कोई क्लाउड बैकअप वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा काम जो है वो लोकली पीयर टू पीयर कनेक्शन के ऊपर होता है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है वो होना चाहिए एंड्रॉयड वर्जन 5 या लेटर, जो आपका iOS वाला डिवाइस है वो रन करना चाहिए iOS वर्जन 15.5 या फिर लेटर वर्जन्स के ऊपर, आपके पास में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। जब आप अपना नया नया Apple iPhone सेटअप करते हैं उसमें आपके पास में जब ऑप्शन होता है मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, आपको अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर मूव टू iOS ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसको इंस्टॉल करना है, और वहीं से ही आप जब ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करते हैं तो बड़े आराम से मतलब एकदम इजीली आप अपने व्हाट्सएप का पूरा डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। कुछ कुछ कैच है, जो आपकी कॉलिंग वाला डेटा है, जो नो कॉल वाला डेटा है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, और जो आपके पेमेंट वाला डेटा है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन जो चैट्स हैं, ग्रुप्स, दिस दैट एवरीथिंग, ऑल द डेटा विल बी ट्रांसफर्ड। आपको बस अपने नए आईफोन के अंदर अपने मोबाइल नंबर से यू नो लॉगिन करना है और आपका सारा डेटा आपको वहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा, वो वहीं का वहीं ही रहेगा, अनलेस आप उसको वाइप कर दें या यू नो अगर आप क्लियर करते हैं, अदरवाइज इट्स स्टिल गोना बी देयर। दूसरी बात ये है कि ये काम आप सिर्फ आईफोन को जब पहली बार सेटअप करते हैं तभी कर सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी फ़ोन को सेटअप कर चुके हैं तो अब आप व्हाट्सएप वाला डेटा मूव नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको दोबारा से उसको वाइप करना पड़ेगा और स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस यू नो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि काफ़ी लोग हैं जो आज की डेट में एप्पल का जो यू नो नया लाइनअप आया है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन SE जो आया है नया वाला, या फिर जो हमको कई बार ऑफर्स में आईफोन थोड़े सस्ते मिल जाते हैं 35-40-45 हज़ार की रेंज के, तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि यार वो एक इस रेंज में एंड्रॉयड के बजाय आईफोन ले लें, बट इस प्रॉब्लम की वजह से वो अभी तक ले नहीं पा रहे थे। बट अभी आई एम श्योर कि यार आईफोन्स की सेल्स भी बढ़ने वाली हैं इस चीज़ से, और लोग जो हैं वो डेफिनेटली अडॉप्ट करेंगे अपने यू नो नए नए आईफोन्स को, और जो मूव टू iOS वाला पूरा सिस्टम है इसके चलते काफ़ी सीमलेस हो गया है डेटा ट्रांसफर करना, व्हाट्सएप भी आ गया है, और इनफैक्ट जो ऐप्स होती है ना, जो ऐप्स डायरेक्टली अवेलेबल हैं इक्वलेंट वो तो ठीक है, इस फोन में यूट्यूब, नए वाले फोन में यूट्यूब, सब कुछ आई गया है, लेकिन अगर कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जो कि आपके सिर्फ एंड्रॉयड में है जो iOS में नहीं होती है, तो वो आपको रिकमेंड करता है इक्वलेंट ऐप्स भी, मतलब इट्स वेरी स्मार्ट, वेरी सीमलेस, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू स्विच। क्या बोलते हो, नया वाला आईफोन कब ले रहे हो फिर बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए और नीचे कमेंट करते हुए। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।